हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि बजाज ने पल्सर NS125 को भी निकाल दिया है और ये शोरूम में भी आना शुरू हो चुकी है। और इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं NS160 को NS125 से, क्योंकि प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन NS160 में आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर हम एक शोरूम प्राइस की बात करें तो NS160 की एक शोरूम प्राइस है 1,11,834 रुपीज़ और NS125 की एक शोरूम प्राइस है 93,690 रुपीज़ एक शोरूम दिल्ली। तो 18,000 से ज़्यादा है NS160। और डिज़ाइन वाइज और लुक्स वाइज हम देखेंगे तो NS160 और NS125 में आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन NS160 में आपको एक पावरफुल इंजन मिलता है और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम बजाज पल्सर NS125 को पल्सर 125, जो स्प्लिट सीट वाला मॉडल आता है, उससे कंपेयर करें तो इसकी प्राइस 17,000 रुपये से ज़्यादा है। तो NS125 की जो प्राइस है काफ़ी महंगी है, और थोड़ा सा अगर आप ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे तो आप NS160 ले सकते हैं, जो कि थोड़ी सी बेटर है। तो सबसे पहले इंजन की बात करें तो NS125 का जो इंजन है वो NS160 से ही लिया गया है, लेकिन उसको डाउनसाइज किया गया है। तो इसमें आपको एक ब्रांड न्यू इंजन मिलता है जो कि 124.45 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 2-वाल्व SOHC इंजन मिलता है। इसकी मैक्सिमम पावर 12 PS की और मैक्सिमम टॉर्क 11 न्यूटन मीटर्स का है। इस बाइक में आपको 5 स्पीड का गियर बॉक्स मिलता है। इसके बाद NS160 की बात करें तो इसमें आपको थोड़ा पावरफुल इंजन मिलता है। इसमें 160.3 cc का 4 स्ट्रोक SOHC 4 वाल्व ऑयल कूल्ड ट्विन स्पार्क DTSI FI इंजन मिल जाता है, और इसकी मैक्सिमम पावर 17.2 PS की और मैक्सिमम टॉर्क 14.6 न्यूटन मीटर्स का है। इस बाइक में भी आपको 5 स्पीड का गियर बॉक्स मिलता है। तो आप इंजन की पावर से पता कर सकते हैं कि NS160 की पावर काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू NS125। और NS160 में आपको ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है, जबकि NS125 में आपको एयर कूल्ड इंजन मिलता है। और यहाँ पर हम टॉप स्पीड की बात करें तो NS160 से आपको 125 टू 130 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड मिलती है, जबकि NS125 से आपको 115 टू 120 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड मिलेगी। इसके बाद ब्रेक्स की बात करें तो NS160 में आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है फ्रंट में। NS160 में आपको 260mm का फ्रंट डिस्क मिलता है और पीछे 230mm का डिस्क ब्रेक मिलता है, जबकि NS125 में बात करें तो इसमें आपको ABS का ऑप्शन नहीं मिलता है। इसमें कॉम्बी ब्रेकिंग का सिस्टम मिलता है। इसमें 240mm का छोटा फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलता है और पीछे की तरफ 130mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। इसके बाद सस्पेंशन की बात करें तो दोनों बाइक्स में आपको सिमिलर सस्पेंशन का सेटअप मिलता है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक मिलता है, पीछे आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर मिलता है। लेकिन जो पल्सर NS125 के जो सस्पेंशन फ्रंट सस्पेंशन है वो थोड़ा सा पतला है, और पीछे का जो सस्पेंशन है वो भी थोड़ा सा पतला है। तो इसी की वजह से जो राइड स्टेबिलिटी है, जो कंट्रोल आपको जो चलाने में होगा, वो थोड़ा सा कम मिलेगा NS125 में। इसके बाद टायर्स की बात करें तो NS125 में आपको थोड़े से पतले टायर मिलेंगे कंपेयर टू NS160। NS160 में जो टायर्स मिलते हैं आपको 90x90 सेक्शन का मिलता है आगे की तरफ, और पीछे आपको 120x80 सेक्शन का टायर मिलता है। दोनों ही टायर्स ट्यूबलेस मिलते हैं, जबकि NS125 में आपको 80x100 सेक्शन का टायर मिलता है और पीछे की तरफ 100x90 सेक्शन का टायर मिलता है। इसमें भी आपको दोनों ट्यूबलेस टायर मिलेंगे, और दोनों ही बाइक्स के जो टायर है वो 17 इंच के अलॉय व्हील में लगे रहेंगे। तो NS160 में आपको थोड़े से मोटे टायर मिलते हैं, उसकी वजह से आप लंबी राइड में बाइक को चलेंगे तो आपको थोड़ा सा बेटर रोड ग्रिप मिलेगा। फ्यूल टैंक की बात करें तो दोनों बाइक्स में आपको 12 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है। इसके बाद ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करें तो NS125 में आपको थोड़ा सा बेटर ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है। इसमें 179mm का मिलता है, जबकि NS160 में आपको 177mm का मिलता है। तो ये सब पॉइंट्स हो गए जहाँ पे NS160 बेटर है कम्पेयर टू NS125। लेकिन यहाँ पर अगर हम माइलेज की बात करें तो NS125 का जो माइलेज है वो काफ़ी अच्छा आपको मिलने वाला है। इसमें आपको 50 से 55 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आसानी से मिल जाएगा, जबकि NS160 में आपको 45 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज मिलता है। तो ये सब कुछ डिफरेंसेस थे जो कि दोनों बाइक्स में आपको देखने के लिए मिलते हैं। NS160 थोड़ा सा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप NS की बात करेंगे तो NS200 सबसे अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अगर आपका जो बजट है उतना नहीं है तो आप डेफिनेटली NS160 की तरफ जा सकते हैं। NS125 की तरफ भी जा सकते हैं अगर आपका ज़्यादा बजट नहीं है, क्योंकि NS125 का जो डिज़ाइन है, जो लुक्स है, वो सिमिलर है NS160 की तरह। तो यही सब NS160 और NS125 पर एक कंपैरिजन वीडियो था। तो मेरी तरफ से दोस्तों आज इतना ही। थैंक यू।